119, बुक 5 का पेज नंबर 119। अच्छा 119 मेरी 119। इसमें इस वाले पीरियड में हमने राइम और एक स्टोरी लर्न बोलनी है, पढ़नी है, ठीक है? ओके, सेकेंड टर्म के लिए या यूनिट टेस्ट के लिए अब आपकी पोइम हो ये वंडरफुल वेजिटेबल वाली की है। वंडरफुल ओके, चलिए तो पहले आज हम ये वाली कर लेते हैं, ठीक है? वेजिटेबल वाली, वंडरफुल वेजिटेबल, ठीक है? वंडरफुल वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स पढ़ी है ना आपने ईबीएस में, अभी वेजिटेबल्स पढ़ी है आपने, हाँ, तो वेजिटेबल्स है, देखो कैसे पढ़ना है। टोमेटोज आर रेड, पीज आर ग्रीन। टोमेटोज आर रेड, टोमेटोज का कौन सा कलर होता है बच्चे? कौन सा कलर होता है? पीस क्या होता है? के सिर पे क्या लगा? रेड चीज आती। प्रिंसल हैज अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन। अब आपने टू लाइन पढ़नी है ऐसे ही। टमेटोज आर रेड, पीज आर ग्रीन, अ ब्रिंजल हैज अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन। ओके, टमेटोज आर रेड, पीज आर ग्रीन, अ ब्रिंजल हैज अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन। नेक्स्ट है पोटैटो आर ब्राउन। पोटैटो, पोटैटो क्या होता है? Red, which I can drink. Potatoes are brown, onion are pink, carrot have a juice which I can drink. Akshit, ये अक्षित कौन है? अक्षित नाम से किसने ज्वाइन किया है? टमेटोज आर रेड, पीज आर ग्रीन, अ ब्रिंजल हैज अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन। मैम मायरा को बोल, पोटैटोज आर ध्यान नहीं है पढ़ने में। अनियन आर मैं इसी पे सिर्फ यही वेजिटेबल्स मेक मी हेल्थी। वेजिटेबल्स क्या बनाती हैं आपको? मेक मी, ठीक है, एंड वाइज वेजिटेबल मेक मी हेल्थ।
रेड ग्रीन कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, फिर से बोलूं मैं? ओके, टमेटो, टोमेटोज आर रेड, बोलो मेरे साथ, टोमेटोज आर रेड, टोमेटो आर रेड, टोमेटो आर रेड, ग्रीन आर सिंपल ऐसे करनी है बच्चे, टमेटोज आर रेड, पीज आर ग्रीन, अ ब्रिंजल हैज अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन, टमेटोज आर रेड, पीज आर ग्रीन, अ ब्रिंजल हैज अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन। कौन बोलेगा? मैं, मेरे को आती है। हिमांशु बोलो, जोर से बोलना। टोमेटोज आर रेड, पीज आर ग्रीन, ए ब्रिंजल हैज ए देर में करोगे यादविक। अब नेक्स्ट लाइन भी करो लान मायरा। Which I can drink? Drink. Learn karo, very good. Vegetables. Vegetables make me healthy and wise. Healthy. And wise. And wise. Wise. Wise.
I will eat them. I will eat them. Eat them. Daily with. Daily with. Rice and roti. चलो एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ. Tomatoes are red, peas are green, a brinjal has a crown, just like a queen. Potatoes are brown, onion are pink. Carrots have a juice which I can drink. Vegetables make me healthy and wise. I will eat them daily with roti and rice. फिर से बोलूं एक बार या हो जाएगी? Yes, ma'am. मैं बोलूं. चलिए एक बार फिर से पढ़ देती हूँ. Tomatoes are red, peas are green. A brinjal has a crown, just like a queen. Potatoes are brown, onion are pink. Carrot have a juice, which I can drink. Vegetables make me healthy and wise. I will eat them daily with roti and rice. Okay? Ma'am, Mayra ko sun lo. अब आपने ये घर पे पूरी लर्न करनी है, ठीक है? मैंने कल सुननी है आपसे. ओके अच्छा, आज के जो टू न्यू वर्ड हैं वो लिख लो आप. स्टार्ट राइटिंग, क्या मतलब होता है स्टार्ट राइटिंग का? शुरू करो. शुरू करो, लिख लो इसको. स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो. और सेकंड है डू योर वर्क, अपना काम करो. हाँ वेरी गुड, अपना काम करो. डू योर वर्क, मैंने पहले भी करवाया है, फिर से रिपीट हो रहा है ये. अपना काम करो. हाँ स्टार्ट राइटिंग करो एंड डू योर वर्क, अपना काम करो. तो वीकली टेस्ट होगा शाम को, जिसको कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे को कॉल करनी है आपने. 5 बजे से शुरू हो जाएगा. पेज नंबर 118 वंडरफुल वेजिटेबल्स. टोमेटोज आर रेड, पीज आर ग्रीन, अ ब्रिंजल हैज अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन. पोटैटोज आर ब्राउन, अनियन आर पिंक, कैरेट हैव अ जूस व्हिच आई कैन ड्रिंक. Vegetable make me healthy and wise. Yes, be quiet. Samar. Healthy and wise. I will eat them daily with roti and rice.
आपने ये राइम लर्न करनी है। चलिए अब स्टोरी स्टोरी निकालो, पीछे पेज निकालो। ये वाला पेज निकालो। निकाल लिया। आरस म्यूट करो। चलो स्टोरी करते हैं अब हम। रखो सभी फिंगर। स्टोरी है हमारी अम्ब्रो द अम्ब्रेला वर्ड। इस वर्ड को क्या बोलते हैं हम? अम्ब्रेला बर्ड। अम्ब्रेला बर्ड क्योंकि क्या छाते की तरह क्या होता है इसके सिर के ऊपर ये, तो इसको अम्ब्रो बोलते हैं। और इसका नाम क्या है? अम्ब्रो। क्या है? अम्ब्रो। बोलो क्या नाम है? अम्ब्रो द अम्ब्रेला वर्ड। अब सुनना है आपने ध्यान से। अब इस कहानी में करेक्टर्स कौन कौन से करेक्टर हैं कहानी में, ठीक है? वो है, एक है अम्ब्रो और एक है अबग। क्या है? अबग, ठीक है? ये होता है बग और ये है अम्ब्रो, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे स्टोरी। अम्ब्रो द अम्ब्रेला वर्ड। अम्ब्रो ये है अम्ब्रो और जो है अम्ब्रेला वर्ड मतलब पक्षी होता है और इसके सिर पे एक छाते की तरह क्राउन बना होता है, इसका नाम है अम्ब्रो। लिव्ड इन अ स्मॉल मड हट। ये कहाँ पे रहता था? एक स्मॉल मड हट था, ठीक है? मिट्टी का बना हुआ हट, झोंपड़ी, यहाँ पे रहता था ये, ओके? वन डे अम्ब्रो वॉज सिटिंग अंडर अ बिग ट्री। एक दिन अम्ब्रो ये वॉज सिटिंग अंडर अ बिग ट्री, एक बिग ट्री मतलब बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। ये देखो बैठा हुआ है ना। अम्ब्रो वॉज सिटिंग अंडर अ बिग ट्री। जस्ट देन अ बग फ्लू इन टू हिज हट। तभी एक बग, ये देखो बग, फ्लू इन टू हिज हाउट, उड़ते हुए उसके घर के अंदर क्या हुआ? इन टू हिज हट, उसके हट के अंदर चली गई इसके, ओके? अम्ब्रो वेंट इनसाइड द हट। अम्ब्रो अब हट के अंदर गया, ये देखो। He saw the bug. उसने बग को देखा sitting on the ones. वो बग जो थी वो इसके बन के ऊपर बैठ गई थी। Once filled with nuts. जो बन था वो filled था किससे? नट से। नट लगे हुए थे इसमें मतलब बादाम, अखरोट, काजू, जो नट्स थे वो बन के ऊपर लगे हुए थे। तो ये जो बग है वो जाकर इस बन के ऊपर बैठ गई। अब देखो अम्ब्रो गॉट एंग्री। एंग्री मतलब इसको क्या हुआ? गुस्सा आ गया। एंग्री क्या होता है? गुस्सा। ही रैन टू कैच द बग। अब वो
इस बग को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए क्या करने लगा? भागने लगा, दौड़ने लगा बग के पीछे. ही ट्राइप्ड ओवर अ कप एंड फेल डाउन. उसने कप के ऊपर क्या किया? ट्रैप. जब वो दौड़ा तो एक कप क्या हुआ? गिर गया. ये द बग लाफ्ड. देखो बग क्या करने लगी? लाफ्ड क्या होता है? लाफ क्या होता है? बग जो वो हंसने लगी. अम्ब्रो गॉट अप एंड स्टार्ट कैचिंग द बग अगेन. अम्ब्रो उठा और फिर से बग को पकड़ना शुरू कर दिया. यहाँ पे देखो फिर से इसको स्टार्ट कर दिया. द बग गॉट स्केयर्ड. जो बग थी वो क्या हुआ? डर गई. स्केयर्ड. ही क्विकली फ्लू आउट ऑफ द डोर. और वो जल्दी से दरवाजे के बाहर उड़ के चली गई. क्विकली फ्लू आउट ऑफ द डोर. अम्ब्रो वाज वेरी हैप्पी. अम्ब्रो जो था बहुत हैप्पी हुआ. ही सेट इन हिज हट. अपने हट के अंदर बैठ गया. एंड ईट द बंस. और बन को खाने लगा. पता चला सभी को? अब इसके हैं वर्ड्स इन फोकस. जो वर्ड दिए हैं उस पे फोकस करना है आपने. ऑपोजिट वर्ड है इन. इन होता है इन मतलब अंदर. और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? इन मतलब अंदर out. और उसके बाहर क्या हो जाएगा? बाहर. आउट. इन आउट. ऐसे कर सकते हो आप. इन आउट. हाँ. और अब ऐसे कर सकते हो. बिग स्मॉल. स्मॉल ऐसे. स्मॉल बिग. स्मॉल बिग. हाथ से करो बच्चे. स्मॉल बिग. हाँ ऐसे करना है आपने. स्मॉल बिग. स्मॉल बिग. फिर अप. ऐसे करना है. अप डाउन. अप डाउन. अप डाउन. अप डाउन. डाउन डाउन. अप डाउन. फिर इन आउट. ऐसे इन आउट. कॉपी में भी करवाने हैं बच्चे ऑपोजिट वर्ड. आपको अभी आने चाहिए. हाँ. अप डाउन. अप डाउन. स्मॉल बिग. स्मॉल बिग. स्मॉल बिग. इन आउट. इन आउट. फिर है एंग्री. अच्छा अब ये हो गए आपके ऑपोजिट वर्ड. अब ये फीलिंग्स. फीलिंग्स इस कहानी में क्या क्या फीलिंग्स आई थी इसको बताना. जो एम्ब्रो वर्ड था, अम्ब्रेला वर्ड था, इसको कौन कौन सी फीलिंग आई थी? स्मॉल बिग. हैप्पी. अप डाउन. अप डाउन. पहले कौन सी फीलिंग आई थी? पहले क्या आया उसको जब उसने देखा कि अच्छा कीप क्वाइट. जब आपको मम्मा से पिटाई होती तो आपको क्या आता है? कौन सी फीलिंग आती है? गुस्सा. एंग्री. हाँ तो एंग्री कौन सी फीलिंग आती है? गुस्सा आता है ना. एंग्री. ठीक है. फिर है आगे नेक्स्ट. जब आपको मान लो टाइगर दिख जाता है, यस स्नेक दिख जाता है, तो आप क्या हो जाते हो? हैप्पी. हाँ
जाते हैं आप। हाँ तो कौन सी फीलिंग आती है आपके अंदर? स्केयर्ड, डरने वाली फीलिंग, स्केयर्ड वाली फीलिंग। ओके ओके। और जब आपको जब आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और आपको एकदम से चॉकलेट मिल जाती तो आप क्या हो जाते हो? बोलो क्या होते हो? खुश हो जाते। स्टोरी में भी, इस स्टोरी में पहले क्या हुआ इसको? इस स्टोरी में देखो, पहले अम्ब्रेला बर्ड को क्या आया? जब उसने बग को देखा कि वो उसके घर के अंदर एंटर कर गई है और बन के ऊपर बैठ गई है, तो क्या हुआ? वो एंग्री हो गया। और फिर जब बग उससे डर गई, जब वो उसको पकड़ने लगा, तो बग उससे क्या हुई? स्केयर्ड, डर गई, स्केयर्ड हुई। फिर जब उसको लास्ट में वो चली गई वहां से डर के, तो फिर क्या हुआ? एम्ब्रो वर्ड, एम्ब्रो को जो है वो क्या हो गया? हैप्पी हो गया, खुशी हो गई उसको कि वो वहां से चली गई और मेरा बन जो है वो बच गया। ओके, अब ऑपोजिट वर्ड है ये आपको करवाने हैं मैंने कॉपी में। ओके, अभी नहीं बट शाम को आपको वीकली टेस्ट है हिंदी का, तो वो आपने देख लेना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी देन कॉल मी। आपकी ये ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी है, ये आपने उतार लेनी है अपनी कॉपी में। ओके, सेकंड टर्म के लिए। हाँ तो वो तो कर ही दूंगी मैं। आपने जैसे फर्स्ट टर्म के लिए थर्स्टी क्रो लर्न किया था ना, थ्री थ्री लाइन लेके, अभी जो नेक्स्ट टर्म होंगे दिसंबर में, तो उसके लिए आपने सेकंड टर्म के लिए ये स्टोरी लर्न करनी है। इस तरह से आपको थ्री स्टोरी लर्न हो जाएंगी थर्स्टी क्रो पर, करनी है ये ग्रीडी डॉग, और लास्ट टर्म की भी बता दी जाएगी आपको, अ ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। मैं कॉपी सामने कर रहा हूं, हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। भेज दूंगी बच्चे मैं नोटिस बोर्ड पे। ओके मैम, ठीक है। अभी मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, कल करवाती हूँ इसको। ओके, राइम लर्न करनी है सभी ने। तो बोलती है इतना ज्यादा। ओके, आप जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है वो नाम सुनेंगे। रियान, शगुन। यस मैम। नवी कौंडल, पारस ठाकुर। यस मैम। आदि कौंडल, आर भाटिया। यस मैम। यस मैम, बोलेगा कोई भी? कोई नहीं बोलेगा। नाम सुनो अपने जो कर कहीं जो प्रेजेंट है क्लास में। आरव 3120, अर्णव चौधरी 3119, आदविक कौंडल, आरव भाटिया, आरव 3109, आरची मेहरा, आसवी सैनी, अक्षित। अक्षित कौन है ये? अक्षित, अमायरा, अनविक कौंडल, आराध्या, अर्णव, अर्श, आश्विता, हिमांशु, इशिका कौंडल, कार्तिक कौंडल, कामिनी, काव्या, महेश्वरी, मानविक, मायरा, नक्ष कौंडल, पारस ठाकुर, प्रियांश कौंडल, प्रियांश चौधरी, रियान, सक्षम चौधरी, सक्षम, समर, समर, सादिया, शगुन, स्नाया, 3094, 3131, शिवम, दूसरा शिवम, शिवेन, तिशिका। अब जो एब्सेंट है,
शान भी नहीं बोलेगी अब, मैंने आपका नाम बोला है और बीच में कोई नहीं है। आदवी, यक्षित, सैबी, अर्नव, अनवे कौंडल है, यस मैम, ओके, इशिका 3068, यस मैम, ओके, इशिका कौंडल, हाँ, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम, नक्षित की जगह वो अक्षित का नाम पर